वाह, बहुत खूब बहुत खूब सर, थैंक यू सो मच। अच्छा अगर मैं आपको ये बताऊं, वैसे तो मुझे तशरीफ लाइए प्लीज, मुझे ये बहुत पसंद है सराय की जुबान, और उसमें अताउल्लाह ईसा खलवी तो हमने शुरू से सुना, मगर आजकल के दौर में आप बहुत उन नामवर लोगों में से हैं जो फेवरेट तरीन है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। और सर आपने क्या ये काम शुरू किया हुआ है, गाने आप गाते हैं हिट और लोग हो जाते हैं, कि मैंने पहले भी आपसे पूछा था जब आप मेरे पास आए थे, है ना? एक टीवी थी मेरे घर में। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। पर जो गाना आप गाते हैं सबको पता होता है कि ये गाना अगला हिट नंबर है, वो गाते हैं उसको जरा और जाके कॉन्सर्ट्स में गाते हैं सब, और सब हिट हैं, सब आपके गाए हुए गाने गा के सब पॉपुलर हैं। जब मैं तो खुश होता हूँ, रोजी रिज़क उनको मिलता है, लेकिन वो उनका काम है बता देना। हाँ, बताता ये गाना है नहीं, बिल्कुल नहीं बता, नहीं बताते, नहीं बताते। हाँ तो ये मुझे अफसोस होता है, कम से कम बता तो दें कि ये रोकड़ी साहब का गाना है तो हमने तैयार किए हैं, ये तो अच्छी बात है। हाँ। बताते भी नहीं है और आपने नाम कर देते हैं सब चीज। ठीक है, तशरीफ रखिएगा। आज मतलब शफाउल रोकड़ी साहब तो कमाल फनकार हैं ही, जिस अपनी मेहमान को मैं यहाँ पे बुलाने जा रही हूँ वो एक कमाल वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं, उन्होंने खूबसूरत फिल्मों में काम किया है, आजकल कमाल शायरी करती हैं, और आज वो शो में कैसे हैं, क्यों हैं, वो आएंगी तो हम उनसे जानेंगे। प्लीज वेलकम हमारी फिल्म स्टार, हमारा प्राइड निशो। ये जानना चाह रहे होंगे कि मैडम निशो जो हैं वो आज आई है, लेकिन मुझे पता है कि शफाउल रोकड़ी साहब से आपका एक बहुत गहरा ताल्लुक। बहुत बहुत, मेरी मैं जितनी बड़ी मैं इनकी फैन हूँ शायद कोई भी ना हो। नहीं, मेरे से बड़ी नहीं होगी। चलो वाकई वाकई, इसलिए कि इनका जो है ना काला जोड़ा इतना हिट है कि आज पूरा माहौल काला जोड़ा बना हुआ ना। That is fantastic. बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो काला जोड़ा ऐसा है कि जहाँ भी पहले सबसे पहले इन्होंने गाया ना, उसके बाद इतना फैला कि जगह जगह काला जोड़ा फैल गया। हाँ। बहुत सारे सिंगर्स ने गाया, लेकिन जो ओरिजिनल चीज होती है वो ओरिजिनल होती है। बेशक। तो माशाल्लाह जो गाया है वो आज तक उसका सहर जो है वो टूट नहीं रहा, आज तक पूरे माहौल में मौसीकी की दुनिया में ये छाया हुआ है। बेशक बेशक बेशक, हमसे ज्यादा कौन विटनेस है कि छाया हुआ है। अच्छा, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी कि आप शफाउल रोकड़ी साहब को कैसे जानती हैं, कब से जानती हैं, और एक होता है कि आर्टिस्ट के तौर पे मैं तो इनके कैसेट सुन सुन के इनकी मदाऊ ना, मुझे तो इनके गाने जब तक ना लगे मोटरवे पे सफर नहीं कटता। बिल्कुल सर, मेरे हस्बैंड जमाल पाशा वो भी सरायकी बेल्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है। चिश्तियाँ, बहावल नगर, ये सारा इलाका। अच्छा, ये भी तकरीबन मतलब इनकी ऐसी दोस्ती थी आपस में। ठीक है। के बहुत ज्यादा, तो फिर हमारे घर भी बहुत दफा आए हैं, मेरे हस्बैंड से मिले हैं, अब अल्लाह उन्हें वरी के रहमत करे, तो उनके साथ इनका बड़ा ताल्लुक था, उस नाते से ये मुझे भाभी नहीं बहन कहते। अच्छा, इस तरह से आप जानती हैं इनको, तो आपने कभी बैठ के इनसे बहुत सारी बातें की होंगी? बहुत सारी जब अफसोस के लिए आए इन्होंने बहुत ज्यादा मुझे हौसला अफजाई की, मेरे सर पे इतनी खूबसूरत वो चादर डाली और मेरे सर पे हाथ रखा और कहा कि बस आप बेफिक्र हो जाएं। अच्छा, तो ये चीजें बहुत काउंट करती हैं ऐसे मौके पे ना, बहुत सारे अपने क्लोज रिलेशंस होते हैं वो छोड़ जाते हैं, आंखें बदल लेते हैं, ताने बाजी करते हैं वो लोग, लेकिन एक शख्स ऐसा जिसका मेरे हस्बैंड से प्यार मोहब्बत था बहुत ज्यादा, तो वो आके एकदम ऐसे मौके पे मुसीबत के मौके पे शेयर करे और तसल्ली दे और कहे कि आप बहन है फिक्र ना करें। ये बड़ी बात। अच्छा, ये सराय की कल्चर, खूबसूरत कल्चर, आई एम इन लव विद दिस कल्चर ना, कि बहुत मीठे, बहुत सुरीले, बहुत मीठी जुबान बोलने वाले लोग हैं, और होते भी सब आपकी तरह धीमे हैं, सब आपकी तरह धीमे मिजाज के लोग होते हैं, ये क्या वजह है कि बहुत मतलब तेज तर्रार नहीं होते? नहीं, तेज तर्रार भी हैं, काफी वो भी हैं। आपने सुनोगा उधर हमारे जो इलाके हैं वो उधर खतरनाक भी हैं। हाँ जी, डाकू भी मशहूर है। नहीं नहीं, डाकू नहीं है। डाकू भी मशहूर है। डाकू नहीं है, वो असल कत्ल वगारत जो है ना, दुश्मनियों में कत्ल वगारत, हाँ वो है। ठीक है, वरना कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छे लोग भी हैं। ठीक है, काफी लोग अच्छे, अब तो बेहतरी आई है, अब बेहतरी आई है, लेकिन गाने इतने मीठे, इतने इतने प्यार मोहब्बत वाले गाने, ये कहाँ से आप लोगों के? मैं छोटा सा बच्चा, यानी तकरीबन 5-6 साल का था जब मैडम नूरजहान और लता मंगेशकर
और मेहदी हसन साहब हो गए, जो इनके गाने में बहुत ज़्यादा सुनता था, मैडम के गाने सुनता था, तो उनसे सीखा हूँ मैं, असल में उनसे सीखा हूँ, सुन सुन के, उनको सुन सुन के सीखा हूँ कि कैसा वो गाते हैं, कैसा कैसी सुर लगा रहे हैं, क्या 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 उनका निज़ाम है, तो उनसे सीखा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हूँ। और मुझे मेरा सुने, अगर उर्दू मेरे सुने तो आप कहेंगे कि ये उर्दू का फनकार है। अच्छा, हाँ, तो अभी मैं कोई सराइकी के, अगर सराइकी गाने सुनेंगे तो आप कहेंगे इस तरह की बहुत अच्छी गाते हैं। वो उर्दू भी जरूर आप बहुत अच्छा गाते होंगे, लेकिन अब सराइकी में तो आप कमाल ही गाते हैं ना, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। और सराइकी जबान ऐसी है कि इसमें वो शाके शुजा आबादी, वो फीलिंग्स बातें कह जाती हैं जो बड़ी मुश्किल है अदरवाइज उसका एक्सप्रेशन ना, तो ये कमाल है, बहुत अच्छा। और मुल्तान साइड शुजाबाद और ये सारी जो है उसमें दो चीजें मशहूर है, मीठी जबान और मीठे आम। सही। अच्छा, अब सारी खूबसूरत ख्वातीन को भी वेलकम, आप सब बहुत प्यारी लग रही हैं। और शफाउल्लाह साहब, आपने एक किसी एक के काले रंग के जोड़े के लिए एक गाना लिख दिया था पूरा, देखिए कितनी खूबसूरत आपके लिए सारी ख्वातीन ने काले रंग के जोड़े पहने हुए हैं। हाँ, तो मैं इनके लिए गाना गाऊंगा ना। आप इनके लिए गाना गाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि ब्रेक पे जाते हुए ये मशहूर गाना जो कि आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों से, और ओरिजिनली शफाउल्लाह रोकड़ी साहब का गाया हुआ है, और आज पूरे दुनिया में जो लोग हमें देखने वाले, हम ओरिजिनल सिंगर से भी मुतारिफ से तो लोग जानते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इट्स एन ऑनर टू हैव यू। तो सर, काला जोड़ा अगर हम सुन लें और उसके साथ हम ब्रेक पे चले जाएं। अच्छा, तो पहले काला जोड़ा, पहले काला जोड़ा, उसके बाद उर्दू गाने पे आऊंगी। ठीक है, सबसे पहले काला जोड़ा ये पहन कर आई थी। शामदीद, आज हम मिल रहे हैं शफाउल्लाह रोकड़ी से जो कि सराइकी जबान के एक खूबसूरत सिंगर हैं, और डॉक्टर फैसल भी मेरे साथ मौजूद है, जो हमें काली चीजों से बनने वाली बहुत सारी खूबसूरतियां, काले रंग से गोरा रंग और फिर काले रंग से मोटापे का खात्मा, वो चीजें जो कि ब्लैक कलर की हैं लेकिन उनसे हमें वो ताकत और तमाम चीजें मिल सकती हैं, बताने वाले हैं। अच्छा शफाउल्लाह रोकड़ी साहब, मैडम निशो इतनी तारीफ कर रही हैं कि आप उर्दू गाना बड़ा कमाल गाते हैं, और आपने खुद भी बताया कि आप बहुत अच्छा गाते हैं जी, इंशाल्लाह। तो कोई उर्दू गाना आपने किस तरह के उर्दू गाने से ज्यादा गाए, गजलें गाई हैं, फिल्मी गाने गाए? गजलें भी गाता हूं, और वैसे उर्दू क्योंकि हमारी जो अपना पॉपुलरिटी है सरेकी से, तो सरेकी लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, सरेकी गाने सुनते हैं, कोई कहां किसी किसी शो पे कोई कहते हैं यार कोई उर्दू भी सुना दो, उर्दू गाना भी कोई सुना दो। अच्छा, तो हमें आप साफ कर रही हैं, तो बहुत मैडम का एक गाना मैं लेकिन ये गाना दोबारा से जो हिट हुआ वो तो अब आके हुआ? नहीं नहीं, आप तो नहीं, ये तो कब का, उसके उस अपना काफी साल हिट हो चुका है, एक साल के बाद लोग मजीद इसको हिट कराते रहे हैं। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हिट कराते रहे, तो होने दे जितना हिट होता है ये होने दे। ठीक है, लेकिन जो लोगों ने हिट करवाया उसमें और जो आपने गाया था उस गाने में कितने सालों का फर्क है, मतलब आपने कब गाया? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, 13-14 साल, 15 साल पहले। और उसके कितने टाइम बाद ये मार्केट में गाना आया? और उस वक्त ऑडियो का दौर था ना। अच्छा, तो ऑडियो ये नहीं, सीडी वगैरह नहीं होती थी। ठीक है, तो मैंने ऑडियो में गाया, वो कैसेट आई, तो उसके बाद ना एक शो था, उस शो में मैंने गाना गाया, तो उसकी सीडी वगैरह बनी हुई थी, यानी वीडियो। हाँ। तो उस लोग वो जब आई ना, तो दुनिया ने उसको फिर वो फैलता गया। अच्छा। और फिर मैं पिंडी और हरिपुर और पठवार के जितने इलाके हैं, माशाल्लाह मानसेरा, इन इलाकों में का, इधर लाहौर भी काला जोड़ा आपने भी माशाल्लाह सुना है, तो पता किसी को नहीं है कि किसने गाया, किसने था, किसका गाना है, ओरिजिनल किसका गाना। अच्छा, आपने भी ये पुराना कोई फोक उठाया था कि आपने ये गाना अपना? नहीं नहीं, ये फ्रेश था उस वक्त, फ्रेश गाना लिखवाया। अच्छा, ये लिखवाया लिखवाया था। अच्छा, किसने लिखा ये गाना? ये लिखा था जीवन, जीवन एक शायर है, जीवन ने। अच्छा, और जब आप गा रहे थे आपको पता था इतना बड़ा हिट होगा? नहीं नहीं, मैं तो गा ही नहीं रहा था। अच्छा, एक मेरा शेर था वो एजाज तिश्ना, उसने मुझे एक बार भी आया लेके, भाई अब गए ऑडियो में, तो मैंने कहा यार मुझे ये अच्छा नहीं लगता गाना। अच्छा। दूसरी बार फिर आया, मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता। तीसरी बार उसको जो हमारा था ना अपना
गाने आउट करता था हमारे हमारी रिलीजन जो होती थी ना कैसे थी, उसने पैसे उसको कहे कि आपको मैं पैसे दूंगा इतने, आप जिसे काला जोड़ आदमी करो बुलाए। तो मैं फिर वो ले आया, मैं खत लिखो चलो, पहला शेर लिखा, उसके बाद मैंने फिर ये गाना गाया। और उसके बाद फिर ये हुआ कि दर्जियों की भी ऐश हो गई, मार्केट से काला कपड़ा भी गायब हो गया, हर खातून ने खुशी के मौके पे, गम के मौके पे, हर मौके पे ब्लैक 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 कलर, पार्टी वियर ब्लैक कलर, फिर काले जोड़े ने तबाही मचा दी। क्या बात है, वाह वाह। अच्छा निशु जी, आप यकीन रखती हैं ये कलर लकी कलर्स पे, और काला रंग का कोई आपका एक्सपीरियंस के काला रंग का जोड़ा कैसा होता है, क्या होता है? काले रंग से हमारे कोई तकद्दस का भी ताल्लुक है, बिल्कुल एहतराम करते हैं, बहुत गहरा, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि दुनियावी लिहाज से कुछ इसके अच्छे इफेक्ट्स भी हैं, मतलब अगर आपने स्लिम लुक देनी है तो जो बुटीक्स में जो ड्रेसेस बनते हैं उसमें ब्लैक कलर पहने तो आपका मोटापा उसमें छुप जाएगा, ठीक है। मैंने इसलिए नहीं पहना, मैं हमने तो आज काला जोड़ा पहना है ना काला। तो दूसरी बात यह है कि कुछ चीजें हैं जो इसमें नहीं बेहतर होती, जैसे कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए, मतलब वो एक अच्छा शुगुन। अच्छा, हमारे यहाँ ऑफिस में एक काली बिल्ली है और उसने आगे से बहुत सारे बच्चे दिए हुए, तो वो 3-4 हैं। अब सुबह जब भी आने लगते हैं ना तो कोई ना कोई इधर उधर बैठी होती है, उस बिल्ली को भी शो में आना चाहिए था। अब वो बड़ी मुश्किल होती है, जब भी उसको देख के एंटर होने लगे ना तो वो कमबख्त कभी इधर से उधर जाती है, कभी उधर से उधर जाती है, तो फिर क्या करे बता ऐसे। वो यही चाहती है उसे काला जोड़ा सुनवाया जाए, ठीक है। तो बाकी दूसरा घटाओं का कलर, मैं बिलीव करती हूँ कि हाँ कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए, क्या होता है? कहती है कि मनहूस होता है, लेकिन मैं इसके बारे में आप बताएंगे कि खाने में और हर्ब्स में और ये सारा कुछ काली चीजें जो है, काली मिर्च बड़ी मशहूर है, काली मिर्च कहते हैं ना कि काली मिर्च जैसा तेज है, तो वो उसकी तो भी बहुत सारी चीजें है जी, उसकी तो भी बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह बताएंगे, बहुत सारी चीजें हैं जी, बिल्कुल ब्लैक। अच्छा चले, मैंने आपसे एक सवाल करना है, आप अपने साथ हलाकू खान को भी लेकर आए? हलाकू खान मूंछ वाला? हाँ। हाँ, वो तो बैठा है सामने। उसका नाम क्या है? उसका नाम है मानी खान। मानी खान, मानी खान सर जरा आइएगा, मुझे अगर हलाकू खान को कोई आपने देखना हो आजकल के दौर में तो मेरे ख्याल वो ऐसे ही होंगे। क्या हाल, कैसे हैं मानी खान साहब, इधर आइए। अच्छा मानी खान साहब ऐसे बैठे हुए, ऐसे करके ना जैसे जैसे सारा रंग मंच जो है ना ये इन्हीं के लिए लगाया गया है ना, ये आपके मैनेजर, ये आपके साथी, ये मेरे साथी हैं पक्के। अच्छा, ये आपने लोगों को डराने के लिए साथ रखे हुए, इनको देख के डर के कोई पास ना है? ये बड़ा अच्छा आदमी है, ये अच्छे आदमी है। अच्छा जी, आपकी मूंछें माशाल्लाह, माइक में माइक है ना आपके पास? अच्छा सर माइक दीजिए, किन के पास है आपने कॉल लिया? मैं कॉल, हाँ जी माइक नहीं है जी, हाँ जी, हाँ जी आ रही है। ये भन साहब की खिदमत के लिए हमने ये मूंछें बढ़ाई हैं। ये मूंछें बढ़ाई हैं, कितने अरसे में बढ़ी हैं ये मूंछें? ये तकरीबन 25 साल हो गए और खान में से 15 साल हो गए। अरे 25 साल से ये मूंछें आप बढ़ा रहे हैं, आपने इन्हें काटा नहीं है? नहीं नहीं काटा। तो ये खान साहब की फरमाइश है? खान साहब की खिदमत के लिए और आपकी मोहब्बत के लिए जो है ना ये मुझे रखी है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। एक लंगर साईं भी है, एक लंगर साईं मेरे साथ होते हैं, लंगर साईं, लंगर साईं मेरे बड़े काम करते हैं, उसको बुलाओ। वो कौन है लंगर साईं? लंगर साईं आजा भाई, हूज लंगर साईं? ये लंगर साईं का मतलब क्या हुआ? ये रोटी यहाँ ज्यादा अच्छी बनाता है, बेहतरीन खाने बनाता है। कौन है लंगर साईं? शर्मा रहे हैं। अच्छा वो देखे ना वो, अच्छा अच्छा लंगर साईं आप शर्मा रहे थे, आप इनको, आप इनको आप जैकी कह के बुलाते तो वो शौक से लंगर साईं है हमारा। ये लंगर, हेलो 1 2 3 4 बोल रहे। अच्छा आप लंगर साईं हैं जी? बिस्मिल्लाह। तो क्या क्या बना सकते हैं आप? लंगर साईं एक मोहब्बत का पैगाम है, बस खान साहब की ड्यूटी दे रहे। वो काली मिर्चों का एक सवाल आया था जी, जी। तो वो शनवारी गोश्त बड़े मशहूर है, उसमें चांपे और पुट और इनका प्यार मीरजादों का, तो वो खान साहब की ड्यूटी में कभी धनिया गोश्त, कभी करेला कीमा, ये हमारी जिंदगी में चल रहे हैं। लंगर साहब ना करो भूख लग जाएगी। अच्छा धनिया गोश्त, करेले कीमा और शनवारी भिंडी गोश्त, भिंडी गोश्त खान साहब को पसंद है बहुत ज्यादा। और ये आप अच्छा बनाते हैं? बस ड्यूटी देंगे इनकी, बच के दे रहे हैं और भी देंगे। अच्छा बिल्कुल सही, बहुत जब से आए, जब से आए घर नहीं गए अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा
बैठे, मेहरबानी, शुक्रिया। मुझे लगता है ये गाना गाने के शौकीन है। नहीं नहीं, नहीं? नहीं? अच्छा, वो ऐसे उन्होंने कपड़े पहने हुए जैसे पता नहीं वो परफॉर्म करने आए हैं। नहीं नहीं, है ना, नहीं वो इधर आए थे भाई, थोड़ा सा टाइम नहीं हुआ मकान। बिल्कुल सही, क्या बात है। अच्छा, लेकिन ये कमाल बात है कि आप अपने खाने वाले को भी अपने फर्क का साथ है, साथ लेके चलते हैं। अच्छा, इसकी क्या वजह जी? इसकी क्या वजह? ये दो बंदे जो है ना, ये मेरे साथ होते ही होते हैं जहाँ भी जाता हूँ। मैं लाहौर आता हूँ तो मेरे साथ होते हैं, जो मैं शो पे जाता हूँ तो मेरे साथ, से बाहर जाए तो भी साथ होते हैं, तो भी साथ होते हैं। ये दोनों बिल्कुल टीम की तरह है, टीम वर्क है, सपोर्टिव रहते हैं ये लोग। ठीक है, छह सात लोग इनके साथ होते हैं हमेशा हमेशा। लैंड क्रूजर भरा होता है। ठीक है, ऐसे लगता है पता नहीं कहीं पे हम अच्छा, लेकिन ये जब आपके घर आते थे जी, तो ये अपना धनिया गोश्त और करेले की माँ खुद बनवाते हैं? यानी मैं 100 डिशे बनाती हूँ फर्रा, इतनी ज्यादा लोगों में मेरा है। पाए बनाती हूँ, ये धनिया गोश्त, करेले गोश्त, और चाइनीज और सूप्स और बर्गर्स, एवरीथिंग जो भी आप कहें। अब ना मैंने आपके घर आना है, आना जरूर, क्योंकि मैंने साहिबा के हाथ का तो खा के देखा है, कमाल टेस्ट है। अब मैंने आपके घर आना है। वो भी मुझसे आधी कुक है। अच्छा, हाँ, मेरे से वो पूछ पूछ के कुक हुई है। ठीक है, तो फिर असल कुक है वो, कहाँ पे होंगे वो? बस वेरी गुड। अच्छा चले सर, एक गाना जिसका उर्दू गाना जिसकी आपने बात जिक्र किया था, मैं वो ब्रेक के बाद हम वहीं से शुरू करेंगे। ब्रेक पहले खुश आमदीद, आई एम रियली हैप्पी। मौसम बहुत अच्छा है, लाहौर में बारिश हो रही है और शफाउल्ला रोकड़ी साहब आज हमारे मेहमान हैं, लेकिन आपको बहुत सारी ब्यूटी टिप्स डॉक्टर फैसल भी बताने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। काली चीजों से आपने कैसे खूबसूरती पानी है। रोकड़ी साहब प्लीज उर्दू गाना सुनाएं और उसके बाद मैं अपनी सराइकी की फरमाइशें शुरू करूँ। मैं मुश्किल रुका। और गाना भी ऐसा हो जो मौसम के हिसाब से हो, क्योंकि बरसात का मौसम जो है वो बढ़ता ही लंबा होता जा रहा है। बारिश बहुत, अभी भी बारिश हो रही है बाहर। इतना अच्छा, इतना अच्छा गाना सुन के इंसान फ्लाइट ही कैंसिल करा देता है, वीजा फाड़ के फेंक देता है। अच्छा, वो आपके जैसा इंसान है तो फिर ही ना। अच्छा, गाना इतना अच्छा है कि आराम से रोक रहे हैं कि भाई मत जाओ। हाँ, बारिश हो रही है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये गाना पिक्चराइज हुआ हुआ है। ये गाना पिक्चराइज हुआ है, बड़ा खूबसूरत गाना है। ये हुआ है एक आर्टिस्ट थी बिंदिया, उस पे और मोहम्मद अली साहब। It was beautiful song और well pictured और बड़ा खूबसूरत लगा है, और गाने में भी ये कितना अच्छा है। हाँ, और बरसात के मौसम के लिहाज से बड़ा रिलेवेंट है। अच्छा मैम, लेकिन अगर ये गाना आप पे पिक्चराइज हो रहा हो जी, तो फिर आप क्या कैसे एक्सप्रेशन देंगे? जितना आप इस गाने को सुन के एंजॉय कर रही हैं, थोड़ा थोड़ा सा ये गाना अगर आपकी इजाजत हो, हम इसे रिप्ले कर लें। हाँ जी, हाँ जी। दो बोल इसके सिर्फ रिप्ले कीजिएगा मैम, आप ये समझे कि आप ही हीरोइन है, आप पर ये गाना पिक्चराइज हो रहा है। हमारी फिल्मों का कमाल ये होता है कि जो उसमें फिल्म स्टार होता है उसे कुछ नहीं करना होता, जैसे मैं कुछ नहीं कर रही थी। अच्छा, हीरो हीरो को देखे, हीरोइन मना मना के पागल हो जाती है और हीरो यूं देख रहा होता सिर्फ ऐसे करके ऐसे करके। किस बात का गुस्सा है? किस बात का? हसीनो जमीन लड़की गा रही है फिल्म में, पिक्चराइज हो रहा है, तो हंसो तो सही, वो नाराज ही रहते हैं। ठीक है, और इसी तरह शौहर घर में नाराज रहते हैं। ये हमारा कल्चर कल्चर है। अच्छा, मैं अपनी प्लेलिस्ट चलाने लगी हूँ जो मुझे बहुत फेवरेट आपके गाने हैं। आजकल जो नया गाना आपका आया है, जो लेटेस्ट फेवरेट है, वो क्या इंज लगता है सजन नवे यार बना लेने ठंड के वाला नू काले जोड़े वो है, इंज लगता है चंद माइया, इंज लगता है बड़ा प्यारा लफ्ज है चंद माइया, चंद माइया। हाँ, इंज लगता है चंद माइया नवे सजन बना लेने वह छंडक के वाला कूं काले सूट से वाला। आए हाय हाय, ये जो प्रोनाउंसिएशन है ना, ये तुम जरा बोल के दिखाओ जिन्होंने बोला है। काले सूट से वाला, काले सूट से वाले ने। वेरी गुड, कोई और ट्राई करेगा? हाँ, बात छंडक के वाला नो काले सूट से वाले ने। चलो इतना ही बोल दो, इंज लगता है चंद माइया, इंज लगता है चंद माइया। चले सर, खुशामदीद। आज सब हमारी प्यारी मॉडल्स ने सारा रिजवान के काले जोड़े पहने हुए हैं, मैंने दुरे शहवार का पहना हुआ है, सब हमने आपके ऑनर में पहना है। शफाउल्ला रोकड़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी फरमाइश पे कि आज काला जोड़ा पा। जी बेशक। ठीक है, आप कुछ कह रही थी, तारीफ कर रही थी इनकी जो बहुत खूबसूरत थी। ये जो है ना कि लगता है चानू माइया नवे सज्जन बना ले बना लेने, एक्चुअली मोहब्बत का जज्बा इतना लतीफ, इतना खूबसूरत जज्बा है, इसमें पोजेसिवनेस बहुत ज़्यादा होती है। यही खौफ होता है मेरा महबूब उससे छीन ना जाए, तो साहिर लुधियानवी ने भी इसी ख्याल को इस तरह कहा है कि कौन जाने मेरे इमरोज़ का फर्दा क्या है,
कौन जाने मेरे इमरोज का फर्दा क्या है, कुर्बतें बढ़ के पशेमान भी हो जाती हैं, शोख दामन से उठती हुई रंगी नजरें देखते देखते अनजान भी हो जाती हैं। क्या बात है, वाह वाह। लेकिन अच्छा मैं आपको बताऊं, जी जी जी, इसको अदब में कहते हैं प्यार करना, इश्क करना, इसको नफ्सियाती तौर पे बीमारी कहते हैं, पता है आपको? वो बीमारी है एक्सिंग। एग्जैक्टली एक्सिंग यानी जो आपका एक्स है ना, हाँ, आप ये पता करते हैं आजकल के दिनाल फिर रहे हैं, हाँ हाँ, किसके साथ दोस्त? लेकिन जब पता हो जाए ना कि वो बदल ही गया है, तो उसके लिए एक बड़े खूबसूरत चंद अशार हैं। तू जो बदला तो बदले हम भी, तू जो बदला तो बदले हम भी, प्यार करते थे बंदगी तो नहीं, वक्त कट जाएगा बाहर सूरत, तू कोई शर्त जिंदगी तो नहीं। वाह वाह वाह, आपने उसको थोड़ा और अंदाज में पढ़ा, ये बड़ा खूबसूरत अंदाज, बड़ा खूबसूरत वो है ना, तुझे बदला बदल गए हम भी, हाँ तू जो बदला तो बदले हम भी, हाँ, प्यार करते थे बंदगी तो नहीं, हाँ, वक्त कट जाएगा बाहर सूरत, तू कोई शर्त जिंदगी तो नहीं। क्या थ्रेट, ये आज के दौर का शेर है, थोड़ा सा थ्रेट रखना चाहिए ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, तंग करता रहे बंदा। आपने भी कभी थ्रेट लगाई है किसी को? नहीं मैंने तो नहीं ऐसी कोई ऐसी। अच्छा सर मुझे बताएं सराइकी की सबसे मशहूर चीजें, मशहूर चीजें क्या हैं वहाँ की, आपके इलाके की, खाने पीने की? पहले तो कुछ आपका डोडा बड़ा मशहूर है। वो तो है ना, वो तो खुशाब है ना, डोडा है उसका। तो मियाँ वाली माशाल्लाह हमारे जो कल्चर वाइज जो सिस्टम होता है वो, यानी गंदला कहते हैं साग, गंदला का, उसके अलावा गुड़, कमान से जो जूस वगैरह, ये और ड्रेस माशाल्लाह बहुत अच्छा। जी हाँ, सादा सादा सलवार कमीज, ये सादा सलवार कमीज, ठीक है जी हाँ। और जूती उधर की बहुत मशहूर है, तिल्ले वाली जूती, खुस्सा या खेड़ी, तिल्ले वाली खेड़ी, एक खेड़ी होती है ना, एक खुस्सा भी होता है। मुझे किसी ने, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है ना वो वहाँ से, तो उसने मुझे बना के वो भेजी थी, अभी मैंने पहनी हुई थी पिछले दिन, बड़ा खूबसूरत उस पे हाथ का काम हुआ जी, बड़ा अच्छा। अच्छा एक और मैं आपसे फरमाइश करने वाली हूँ गाने की जी, फरमाए। अच्छा ये सारे गाने आपके ऐसे हैं, लगता है कि आप एक्सिंग ही कर रहे हैं ना, जो चला गया उसी के पीछे आप ख्वार हो रहे हैं मुसलसल, वो गाना जिद नाल दिल लाया जी, जी हाँ, वो भी आगे से कमाल ही निकला, वो कमाल निकला बिल्कुल। सर वैसे आपने कोई बेवफाई सही है जो इतने दुखी दुखी गाने आपने गाए हुए? नहीं, एक कुदरती एक इश्क होता है गाने से, हमें तो, मुझे तो गाने से इश्क है, मतलब किसी से इश्क नहीं है, गाने से नहीं इश्क, इंसान जो है आखिर इंसान है, ये अलग से बताने वाली बात है, पर्दे की बात है, आखिर इंसान हूँ तो वो होता है मोहब्बत, तो एक जैसा फरमा रही थी मेरी बहन, तो वो ठीक है, वो बहुत पाकीज़ा की सिस्टम है। तो जिद नाल दिल लाया पहले सुनते हैं, और उसके बाद में आपसे एक और गाने की फरमाइश करूंगी, फड़ मेरी बाँ। अच्छा जी नहीं जी, फड़ मेरी बाँ माइया पहले, ठीक है जी। वो भी आपका है? वो नहीं, वो आपका नहीं है, वो आपने गाया है, किसी का गाया? किसी का गाया। अच्छा ये गाना आपका है? ये मेरा है। अच्छा जितने आपके गाने हैं आपने इनकी कॉपी राइटिंग नहीं करवाई कि अगर कोई भी गाए तो आपको उसका मिले? पहले ये सिलसिला होता नहीं था, पहले शुरू में ना, ठीक है, ये अब जो सिंगर नए आए हुए हैं, अब एक माफिया जो इधर है, ठीक है, तो वो गा लेते हैं, और गा के फिर कहते हैं कि हमारी ट्यून है, हमारा सिलसिला हमने बनाया है, पुराना शायर ने लिखा है और हमने उसकी ट्यून बनाई है, तो हमने गाया टीवी पे गा लिया आके, मीडिया इधर है ना, तो मीडिया पे आके वो कहे सौ सौ बातें करते हैं। अच्छा, और जब सामने आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी करमनवाजी है, वो देखते हैं भाई, ठीक है। तो ओनरशिप का फैसला कैसे होता है सर? मुफ्त जी, अब आप भी कहें मेरा गाना है, कोई भी कहे मेरा गाना है, मैं मेरे सामने आके अगर कहें तो फिर मैं उनको कहूँगा। अच्छा आप उनको बुलाओ ना कभी तो मुझे, ठीक है ठीक है, देखूंगा बाद में कुछ करें, घर आके नहीं कोई मार सकता, नहीं मारना नहीं है, उनसे पूछना है भाई गाना ये किसका है, गाना किसका, ठीक। अच्छा चूंकि हमने आज एक सेगमेंट भी रखा हुआ है ब्लैक कलर, और जैसे मैंने बताया सारी खूबसूरत मॉडल्स ने सारा रिजवान के ड्रेसेस पहने हुए हैं, काले रंग से खूबसूरती के लिए डॉक्टर फैसल बताइए क्या क्या चीजें हैं, जो एक हलवा आप बता रहे थे जी जी। वैसे तो निशा जी से हमें पूछना चाहिए कि क्या चीजें खानी पीनी चाहिए, माशाल्लाह इनकी एवर लास्टिंग ब्यूटी का सीक्रेट, लेकिन आप भी बताइए हलवा।
आप जितनी प्यारी हैं और मुझे आप हमेशा बहुत तारीफ करती हैं। नहीं, मैं तो ब्रेक में भी टिप्स ले रही थी, लेकिन आइए हम चलते हैं। यहाँ पे क्या हलवा बना रहे हैं, इसमें क्या क्या डल रहा है? दो मिनट में बनाना है जी, दो मिनट में बता रहे गाने क्या क्या डल रहा है इसमें। इसमें हमने देसी घी गर्म कर लिया, ठीक है, ठीक है, काले चने, काले चने, काली माश, ठीक है, इन्हें उबाला हुआ है, इनको रात को भिगो के सुबह हल्का सा उबाल के इसको हम डाल देंगे इसमें, काली माश छिलकों वाली। हाँ जी, काली माश छिलकों वाली, ठीक है, और साथ ये काले चने, ठीक है, इनको हम डाल देंगे इसको आंच पे पकाते रहेंगे, और जिस वक्त ये थोड़े थोड़े से पक जाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध, ठीक है, ठीक है, बस थोड़ा सा दूध डालना है ताकि ये बहुत पतली खीर ना बन जाए, हमने इसका हलवा बनाया। फिर ये ग्राइंड भी करना है? हाँ जी, उसके बाद फिर हम जो उनसे हैंड ब्लेंडर होता है उससे ग्राइंड कर लें, या ब्लेंडर में डाल के हल्का सा ब्लेंड कर लें, ठीक है। फिर जब ये ब्लेंड हो जाएगा, ये सारा कुछ पक जाएगा, तो फिर हम इसमें डालेंगे काले तिल, ठीक है, थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे काली किशमिश, ठीक है, ठीक है, और इसमें हम डालेंगे थोड़े से ये हमारे जरिश्क, जरिश्क, ये ब्लैकबेरी है, ब्लैकबेरीज हैं ये, इसको बर्बरिस भी कहते हैं, और ये जो उनसा है बहुत बेहतरीन चीज है आपके गुर्दों की सफाई के लिए, आपके खून की सफाई ये के वो लिए, है केक, केक बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही फ्रूट केक में डलते हैं, बिल्कुल वही, और ये तो ये जरिश्क हो गई, काले अंगूर और ये काले तिल, इसको हम डाल के इसमें हल्का सा पका के उसके बाद हम इसको रख लेंगे, और ये आधा चमचा सुबह निहार मुंह दूध के साथ खाना शुरू कर दें अगर आप, ठीक है, तो फिर आपके ना तो बाल गिरेंगे, ना आपको झुर्रियां पड़ेंगी, आपकी आईसाइट ठीक रहेगी, और प्लस ये कि आपके बाल जो अगर वाइटनिंग हो भी गई है तो वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी, मजीद तो नहीं जी, बिल्कुल। अच्छा, डन, जबरदस्त, ठीक है, यहीं पे जिनको शुगर है, जिनको हार्ट पेशेंट है, हर कोई खा सकता है, हर कोई खा सकता है, बिल्कुल। इसमें ये है कि जो हार्ट पेशेंट है, या हार्ट पेशेंट तो नहीं, शुगर वाले, ठीक है, उसकी जगह जैसे हमने ये किशमिश वगैरह डालेंगे तो इसी की हल्की सी मिठास आ जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद एक्स्ट्रा चीनी डालने की जरूरत नहीं है, डन, ये एक हलवा, एक तो ये हलवा हमारा तैयार होता जाएगा। दूसरा एक मास्क आपको बता रहा हूँ, जो चेहरे की झुर्रियों के लिए, ओपन पोर्स के लिए, और कॉम्प्लेक्शन को बेहतर करने के लिए, ठीक है, इसमें हमने जेलेटिन को भिगो लिया, ठीक है, और जेलेटिन में हमने ये डाला है जो काला चमचे पे नजर आ रहा है, ये है हमारी सतमलठी, सतमलठी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, लिकोरिस का एक्सट्रैक्ट है ये, ठीक है, और ये जो उनसा स्किन वाइटनिंग के लिए बेहतरीन चीज है, सतमलठी, सतमलठी, तो इमली के पानी में हमने सतमलठी, इमली के पानी में ये हमने डाला है जेलेटिन पाउडर, अच्छा जेलेटिन पाउडर पानी में मिक्स कर लिया, ठीक है, उसमें हमने डाला है ये सतमलठी, ठीक है, और इसमें हम डालेंगे चारकोल का पाउडर, ये कोयला पीस के, यानी कोयला पीस के, सिंपल कोयला जो पड़ा होता है, हाँ, तो जो कहते हैं अनबुझा या बुझा, वो अनबुझा बेहतर होगा, अनबुझा कौन सा वाला, अनबुझा वो होता है जो हम आप बारबेक्यू से पहले जो लेके आते हैं, जो ताजा ताजा जो ताजा होता है, वो जिसको कमरे में जलाएं तो सारे फौत हो जाते, जिसकी राख नहीं बनी होती, ठीक है, ठीक है, ये हम तकरीबन इसमें डालेंगे एक चम्मच, ठीक है, जेलेटिन को मिक्स कर लिया गर्म पानी में, उसमें हमने सतमलठी कितना डाला, सतमलठी बिल्कुल एक समझ लीजिए कि चुटकी भर हमने डाला, और वो उसी पानी में वो मिक्स हो जाएगी, ठीक है, और आखिर में हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे एलोवेरा का जेल, और ये हम मास्क बना, ये हमारा मास्क बन जाएगा, चेहरे पे लगाएंगे जी, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी जो उनसी झाइयां है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगी, आपके जो उनसे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, ये थोड़ी देर में डिसॉल्व होता जाएगा, एकदम नहीं होगा, नॉर्मली तो व्हाइट क्रीम जो लगाई जाती है, अप्लाई की जाती है, वो व्हाइट होती है, ठीक है ना, आजकल ये ब्लैक चारकोल मास्क बहुत इन, बहुत इन, इससे बहुत सुना है कि पोर्स बंद होते हैं, पोर्स बंद हो जाते हैं, ब्लैक हेड व्हाइट हेड उनसे साथ ही पील हो जाते हैं, प्लस ये है कि अगर इसको आप रेगुलर लगाते रहे तो ये इसकी लिकोरिस की वजह से झाइयां आपकी जो है वो बहुत जल्दी सतमलठी की वजह से, सतमलठी, तो जो लोग झाइयां हैं जिनको उनके लिए खास तौर पे बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा है, अच्छा ये मतलब ये पील ऑफ मास्क होगा, हाँ, इसको लगा थोड़ी देर इसमें जेलेटिन ज्यादा डाल देंगे तो ये थोड़ी ठीक हो जाएगी और ये पील ऑफ हो जाएगा, ठीक है, अगर आप इसकी ये कंसिस्टेंसी रखते हैं तो फिर ये है कि ये इसको आप लगा के कपड़े के साथ मलमल का कपड़ा लगाएं उसके ऊपर ये लगा लें, ठीक है, उसके साथ आप पील मलमल का कपड़ा इसमें भिगो कर वो कपड़ा चेहरे पे रख लें, आंखें अपनी उसमें काट लें ताकि आंखों के ऊपर ना हो, होंठों के ऊपर से वो जगह काट लें, बाकी उसे लगा के चिपका के रेडीमेड पैड्स आ जाते हैं जो आप फेस पर, नहीं अगर नहीं है तो मैं तो बता रही हूँ जो घर में बैठे हुए बिल्कुल लोकल कर ले देसी, बिल्कुल, और अच्छा। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट लगा के उसके बाद आप इसको धो लें चेहरे को, तो आप देखिए पहले एप्लीकेशन से आपके चेहरे पे फर्क, अच्छा, इसमें हमने जेलेटिन पाउडर मिक्स किया, उसमें हमने सतमलठी डाला एक चुटकी, और उसके बाद हमने उसमें कोयला जो है उसको पीस के अच्छी तरह वो डाल दिया है, इतना बारीक हो उतना मलमल के कपड़े में छान के, और ये स्मेल फ्री होगा मेरा ख्याल है, क्योंकि अंडे की जो व्हाइट है वो डालें तो बड़ी स्मेल आती है, आखिरी चीज क्या डाली थी, एलोवेरा की, एलोवेरा की जेल, ये फ्रेग्रेंट है,
अच्छा लग रही है इसकी स्मेल, है ना? हाँ, इसमें एलोवेरा का जो जेल है उसमें हमने थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल डाले। बिल्कुल सही। अच्छा, और कुछ जो आपने बताना है? एक आपको जो काली चीजें हैं उससे बहुत अच्छा हमारा एक, आपने देखा होगा, एक खांसी का शरबत बनता है दूध से, उसकी आपको मैं रेसिपी बताता हूँ घर में कैसे बनाते हैं शरबत, खांसी का बनाने का तरीका, ठीक है? और इसको अगर जैसे बच्चों को टॉन्सिल्स होते हैं, इवन अगर आप रेगुलर पिलाएं बच्चों को डेढ़ से दो महीने तो टॉन्सिल्स तक खत्म हो जाए, ठीक है? इसमें हमने काले शहतूत ले लिए, ठीक है, इसको हमने पानी में डाल लिए। जबरदस्त, काले शहतूत ताजा मिलने नहीं मिलते, बाजू का बहुत खराब 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 मिलते हैं, तो ये अच्छी क्वालिटी के आप ले लीजिए जो ड्राई हुए हुए होते हैं। इसमें हम डालेंगे सपिस्तान, ये भी काले होते हैं, लहू के सपिस्तान। अच्छा, आपको माशाल्लाह सारी चीजों का पता है, पूरी पंसारी की दुकान लग रही है। हाँ, ऐसे ही इतना सामान मुश्किल से मिलता है। अच्छा, ये बड़ी आसान और बड़ी सस्ती चीजें, ये है तुख्मे खत्मी, या खात्मी जिसको कहते हैं, खात्मी, ये मार्शमेलो फैमिली है, ठीक है? ठीक है, तो ये गले को सूट करती है, ठीक है? अच्छा, और इसमें भी हम डालेंगे तकरीबन इतना ही टुकड़ा मलेठी का, ठीक है? ठीक है, इसको हम पकने के लिए रख देंगे। पर ये मलेठी लकड़ी वाली डालनी है, नहीं सब भी डाल सकते? ये जो है ना, ये सिंगर्स के लिए बहुत अच्छा है। आप शिफाउल भाई, आप सुन ले, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, गले के लिए सूदिंग इफेक्ट देता है, इनको बताएंगे। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, हाँ, गले में जो वरम हो जाता है उसके लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़। और अदरवाइज भी ना, ये वैसे भी बड़ा अच्छा है अगर आप इसको लें, इन्फेक्शन खत्म करता है सिर्फ ये नहीं कि गले के लिए, ये टॉन्सिल्स को भी। इसमें एंटीबायोटिक का भी कुछ टच बिल्कुल है, क्योंकि ये जो इसमें खत्मी वगैरह है, ये सारी एंटीवायरस और एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल। ये हड़ किस लिए रखी हुई है आपने? हाँ, ये हड़ जो उनसे ये खाने के लिए रखी। इसको कैसे खाना है? इसको रंगली हड़ है जी, ये खा के दिखाऊं है, ये आप खाती है? नहीं, ये कहा गया हड़। अच्छा, हमारे अब्बा ने इतना खिलाया हुआ है बचपन में हमें हड़ का मुरब्बा, ओए होए होए, जो अरहर होती है, ये अरहर है ना? ये हरीड़ का मुरब्बा जिसे कहते हैं। अच्छा, वो कुछ और चीज़। अरहर जो होती है वो तो दाल होती है ना, अरहर की दाल, ये हरीड़ होती है, हरीड़ होती है। और इतना हम पे लाजिम था कि सुबह उठ के हमने हरीड़ का मुरब्बा खाया। मैं खा ले कि उसके फवायद आपको अभी तक महसूस होते हैं, ठीक है ना? तो ये तो बेहतरीन चीज है। अच्छा, इसको खाना ऐसे है कि इसको साथ आपने इसमें ये थोड़े से मसाले डालने, ठीक है, दालचीनी, बड़ी इलायची के दाने, ठीक है, और काली मिर्च और लौंग, ठीक, इन सब चीजों को पीस के आपने रख लेना, ठीक है, और इसको आपने खाने के 15-20 मिनट के बाद खाना है, एक चुटकी एक चुटकी पानी के साथ। आपने ये फटकी से बना के खानी है। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आपकी डाइजेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका जितना भी गट है वो क्लीन रहेगा और उससे आपको मोटापा नहीं होगा और एक्नी भी नहीं होगी। एक्नी भी नहीं, जब पेट साफ होगा तो आपकी एक्नी भी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल सही। इसमें एक और चीज ऐड कर लें, इन सब चीजों में अगर थोड़ी सी खुशी डाल दी जाए, हाँ, तो इंसान वैसे ही हेल्दी हो जाता है, लेकिन ये साथ सपोर्ट में हो तो वो ज्यादा इफेक्टिव। बिल्कुल सही। जैसे मैंने इनसे पूछा था, निशा जी से, आपके खूबसूरत लंबे बालों का क्या सीक्रेट है? तो उन्होंने, क्योंकि इन्होंने कोई एक्सटेंशन नहीं लगाई थी इनके अपने बाल हैं माशाल्लाह, तो उन्होंने मुझे बताया था कि अच्छी खुराक, हाँ जी, नट्स, हाँ जी, और मिल्क, ये पैकेट का मिल्क नहीं, भैंस का दूध, ठीक है, ठीक है, फ्रेश मिल्क और नट्स और फ्रूट और रोटी चावल, जरा देसी चीजें, देसी चीजें, और ऑयल तो खैर मैं ऑलिव ऑयल यूज करती हूँ, ठीक है, और 5 तेल बादाम आलमंड ऑयल, बादाम का तेल, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, और एक और पता नहीं कौन सा तेल, हाँ, कोकोनट ऑयल, ठीक है, ये 5 मैं इसका मसाज कराती हूँ। और मैंने कभी कोई और कोई जो ट्रीटमेंट होते हैं ना, मैंने कभी नहीं करवाया। सो कुछ जो आपको आज मिली है टिप्स, ब्लैक कलर की वो चीजें जिनको आपने इस्तेमाल करना है, शफाउल्लाह रोकड़ी साहब हमारे साथ हैं, खूबसूरत सराय की म्यूजिक जो है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रही हूँ और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। शफाउल्लाह रोकड़ी साहब को आज हम सुन रहे हैं, लेकिन इस वक्त सामिया खान की तरफ हमने चलना है, जिन्होंने हमें बताना है कि ये हफ्ता कैसा रहेगा आप सब लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम सामिया। वालेकुम अस्सलाम, और अल्लाह करे सबका हफ्ता खैर और अमन अमान से गुजरे, क्योंकि लेकिन इनकी पोजीशन बताना एक मजबूरी है और बार बार रिपीट पे इसलिए लगी हूँ, जब तक इनकी चालें ठीक नहीं होती तो मैं आपको साथ बताती जाऊंगी कि मरकरी क्या क्या खराबियां करेगा। सामिया, मुझे लगता है सितारों का किरदार खासा मशकूक है, हमेशा उनकी चाल खराब ही रहती है। अच्छा, वैसे अजीब हो गया ये फरा कि हम सुनते थे जू जू क्यामत के कहते दिन करीब आ रहे हैं, जो बुरे सितारों का स्टे अनएक्सपेक्ट
एक्सपेक्टेडली लंबा होता जा रहा है। अच्छा, जहां वो 12 या 16 महीने का स्टे करते थे 18 से 19 महीने में उनका स्टे बढ़ गया है। अच्छा, तो कई दफा हमें भी मुश्किल होती है उनको पकड़ने में कि ये प्रिडिक्टेड था कि इतने टाइम पे निकल जाएगा, लेकिन वो उसका स्टे लंबा हो जाता है, पता चलता है एक और नई तारीख पड़ गई है। जैसे वो जायदाद के मुकदमों में नहीं पड़ती है, एक और तारीख पड़ गई है। तो सितारे भी आजकल यही खेल खेल रहे हैं। अच्छा जी, मरकरी क्या क्या कर सकता है? कम्युनिकेशन की खराबियां कराएगा, जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स कराएगा, पेपर वर्क की गलतियां करा सकता है। आई एम सॉरी, मैं गलत लफ्ज यूज कर रही हूँ, करा सकता है, क्योंकि होगा या नहीं होगा ये गैब का इल्म है, ये अल्लाह के पास है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों में खराबियाँ पैदा करवाता है ये, और इसके अलावा ये चोरियों को भी जो है ना वो बढ़ा देता है। तो अपनी अपनी कीमती चीज़ों की भी आजकल हिफाजत कीजिएगा, ताकि अल्लाह पाक आपको किसी भी नुकसान से महफूज रखें। अच्छा जी, एरीज यानी बुर्ज हमल वालों से हम स्टार्ट लेंगे। एरीज का ये हफ्ता आप लोग सेफ जोन में हैं। 11 तारीख से लेके 17 तारीख तक सारी डेट्स आपकी ठीक हैं, सिवाय खाना माल में प्रेशर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है कि उसमें आपके ऊपर अखराजात का लोड रहेगा। कारोबारी अफराद जो हैं उनको थोड़ी थोड़ी अब काम में बरकत मिलती रहेगी। दोस्तियां आपके लिए मददगार साबित होंगी, लेकिन ट्रैफिक में अपना फोकस जो सड़क पे रखना है आपने, और दिमाग के ऊपर बेजा वो लाहौल पड़ी है। जब ऐसे ख्याल आने लगे, जब हमारे हाथ में सिवाय हमारा टेम्परामेंट है, हमारी किस्मत जो है वो मैं ये नहीं कहती कि बदलती नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें तकदीर में अटल हैं, कुछ जो है वो दुआओं से अल्लामिया बदल भी देते हैं। तो ये जो है अपने दिमाग को बेवजह ना उसकी दही बनाएं, ताकि जो है वो आपके दिमाग को नर्वस सिस्टम में कोई कमजोरी पैदा ना हो। अगला सितारा टॉरस यानी बुर्ज सौर। आप भी ये हफ्ता आपका भी पूरा ही ठीक है, ऑलमोस्ट सितारे की पोजीशन इस हफ्ते में तो आपको कहीं कुछ चेक नहीं कर रही, लेकिन ये दोस्तों में मोहतात रहिएगा। दोस्तियों में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स होए या कुछ चीज़ें खराबी पैदा करें, तो वहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि दोस्तों से बिला वजह बहस मुबाहसा ना करें। कारोबार में चीज़ें बेहतर होंगी, कोई बैरून मुल्क सफ़र का रास्ता आपके लिए खुल सकता है, कोई वीज़ा कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम आपका पूरा होना चाहिए। माली वसाइल की तरफ तवज्जो दें, वहाँ पर इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। अगला सितारा आ गया जेमिनी यानी बुर्ज जौजा। आप लोग ज़रा सा पैनिक में रह सकते हैं, क्योंकि सितारा जो है वो कहीं खराबी पैदा कर सकता है आपके लिए, आपके लिए कहते हैं ना एंग्जाइटी बढ़ाएगा। ये हफ्ता 11 और 12 की तारीखें थोड़ी सी स्लो जाएंगी, लेकिन 13 तारीख से मार्च से फिर शुरू होने वाले दिन जो हैं वो आपकी फेवर में है। 15, 16 और 17 की तारीखों में कहीं से माली फ़ायदा भी मुतवक्को है। नए रिलेशंस बनाने के लिए बहुत बेहतर टाइम है, और जो है कोई चीज़ ख़रीदना या बेचना चाहते हैं, अगर लग रहा है कि अभी प्राइस उतनी नहीं हो रही है तो इसको पेंडिंग में डाल दीजिए। आपका भी इंशाल्लाह, जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस वक्त तो जिनके पेपर्स हैं उनके लिए तो सितारा बेहतर जा रहा है, लेकिन कारोबार में कोई चीज़ जो है बिला सोचे समझे साइन मत कीजिएगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है सारी शराइत पढ़ के फिर साइन कीजिएगा। अगला सितारा कैंसर यानी बुर्ज सरतान वाले जो लोग हैं, 11 से 14 मार्च तक सितारे के नशेबो फराज हैं, जिसकी वजह से आपके मिजाज में भी उतार चढ़ाव रह सकता है। 15 तारीख से शुरू होने वाले दिन फिर स्टेबिलिटी भी लाते हैं, जॉब और सेहत में इंशाल्लाह बेहतर हालात रहेंगे, फाइनेंसेस में भी बेहतर हालात रहेंगे, शरीक हयात या कारोबारी पार्टनर की तरफ से भी इस हफ्ते तो सुकून इंशाल्लाह रहेगा। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनका सितारा कैंसर है, प्लीज़ उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पेपर में सोच समझ के लिखिएगा, क्योंकि मरकरी पेपर में गलतियां ना करवाए। और जिनके जिनको भी कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम जिनके पेंडिंग चल रहे हैं, वो भी ज़रा सा मोहतात रहिएगा। ये 21 मार्च तक, 21 मार्च, हाँ। तो बेचार मैं बार बार, बच्चे जो पढ़ रहे हैं मैं तो उनके लिए बार बार ये कह रही हूँ कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन परा जिस वक्त में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट अच्छा आ सकता है अगर इस वक्त हार्डवर्क कर लिया। मूड स्विंग जिस वक्त नहीं चलने, वो नहीं, मतलब नहीं, उनको उनके वो शिकार ना अपने मूड स्विंग्स का। ठीक है,
अच्छा दोस्तियाँ इस वक्त जो है किसी दुश्मनी में ना बदल जाएं, ये जरा सा आपने एहतियात करनी है कम्युनिकेशन करते हुए, कैंसेरियन बच्चों के लिए, ये लोगों के लिए, सब बच्चों के लिए नहीं, तो ये दोस्तियाँ दुश्मनी में ना बदलें, ये जरा सा मोहतात रहिएगा। लियो यानी बुर्ज असद वाले जो लोग हैं, ये वाला हफ्ता आपका जी 11 और 12 की तारीखें तो ठीक है, लेकिन 13 से लेकर 17 मार्च तक जो सितारा है अपना सदका आप भी दे दीजिएगा। ज़हनी तौर पे दबाव रह सकता है और जो है जॉब और हेल्थ दोनों में ही जरा से चुकन्ने रहिएगा। लव लाइफ और बच्चों की साइड से सुकून रहेगा इंशाल्लाह। फाइनेंसेस में जहाँ फाइनेंसेस आ रहे हैं वहाँ पे आपको ये फिक्र भी लाहक रहेगी कि जो है अखराजात का प्रेशर भी आपको मैनेज करना है। फरा मैं अगले पे चली जाऊं कि ब्रेक का? हाँ जी बिल्कुल, आप शौक से जाएं। अच्छा। हम तन गोश हैं। वर्गो यानी वुड सुबला वाले जो हैं, जेमिनाइज और वर्गो, ये खास तौर पे इन 5 हफ्तों में विक्टिम हो सकते हैं, अगर अल्लाह चाहे तो, ना चाहे तो आप महफूज हैं, तो इसलिए अल्लाह मियाँ से पनाह मांगते रहिएगा कि इनकी नेगेटिव रेज आपको डैमेज ना करें। उसी के लिए आपके पास वेपन है दुआ का और सदका रद्दे बला का आ गया, तो सदका इन दिनों में बढ़ा देना है आपने हस्ब तौफीक। अल्लाह मियाँ को क्वांटिटी नहीं चाहिए, आपकी नीयत की मंजूरी है। अच्छा जी, जो हफ्ते की पोजीशन है वर्गोस, 11 से लेके 14 मार्च तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन 15, 16 और 17 में बेवजह एंगर से अपने आप को बचाना, खुद से एज्यूम नहीं कर लेना किसी के रवैये पे, बल्कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशन बच जाए तो चीज़ों को क्लैरिफाई कर लीजिए। इस वक्त जो यहाँ पे भी जो वर्गोस बच्चे हैं उनके भी दिमाग पे स्ट्रेस नज़र आता है, अगर बैरून मुल्क सफ़र में ताखीर है तो उसमें अल्लाह ताला की बेहतरी है। हाँ, रिलेशन में जहाँ मियाँ बीवी हैं, प्लीज़ आप लोगों ने बहुत लंबी बातें आपस में नहीं करनी इस हफ्ते, ताकि कोई भी चीज़ आपस में गलत फहमियाँ पैदा ना करा दे। लव लाइफ और बच्चों की साइड से भी आपने लापरवाही नहीं करनी। हाँ, घर वाले आपकी स्ट्रेंथ रहेंगे, घर का सुख या घर वालों का सुख इस हफ्ते शामिल हाल रहेगा, सेहत और जॉब भी बेहतर है। बस यहाँ पे ब्रेक ले लें। अच्छा, मैंने कॉम्प्लीमेंट करना है, अपने बहुत खूबसूरत शर्ट पहनी हुई है। हाय, थैंक यू, बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल बहुत लग रहा है रॉक स्टार है आप। है? हाँ, बिल्कुल बहुत खूबसूरत लग रही है। सितारे डाउन है, मैं रॉक स्टार हो गई। हाँ, आपके सितारे चमक रहे हैं, पूरा खुद सितारा बन के सब चमक रहे हैं माशा। बल्कि अगर मैं कहूँ ना, मुझे लग रहा है माइकल जैक्सन वाली शर्ट है वो, ऐसी शर्ट पहन के ना, तो वो भी आप लोगों ने ब्लैक थीम का मुझे ऑर्डर किया तो मैंने कहा ये लुक अमेजिंग माशाल्लाह। सो हम आगे कंटिन्यू करेंगे जिन लोगों के सन साइन जिसके बाद है, ब्रेक के बाद स्टे विद अस एंड देन शफाउल्लाह रोकड़ी साहब, देखिए कितने ध्यान से सामिया की गुफ्तगू सुन रहे हैं और अब हमने इनका एक खूबसूरत गाना भी आपको सुनाना है। स्टे विद अस।